भाइयों को नमस्कार, सबका स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म पर। दोस्तों, वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को कहीं ना कहीं से अच्छा से अच्छा मुर्रा पशुधन दिखाने का प्रयास रहता है, और आज उसी प्रयास को बढ़ाते हुए जो आज की जो हमारी कवरेज है जी, मैं बताना चाहूँगा मनोज सरपंच के डेयरी फार्म से लेके आ रहे हैं जी। और हमने यहाँ से जो कि पहले भी एक वीडियो कवर की थी, काफ़ी अच्छा जो कि दूध लाइन का पशुधन है वो भाई के पास बिक्री के लिए उपलब्ध मिलता है। तो आज की वीडियो में भी आप लोगों को 4 से 5 भैंसे जो कि बिक्री के लिए उपलब्ध मिलेगी। काफ़ी पशुपालक भाइयों की मिल्क विद ब्यूटी की जो कि डिमांड रहती है, तो आज की वीडियो में आप लोगों को दूध तैयार की जो कि भैंसे हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो सरपंच के घर से लेके आ रहे हैं जी, और भाई साहब से इसकी जो कि डिटेल्स पूछें। लेकिन उससे पहले जो भी पशुपालक आपके अपने चैनल पर पहली बार जुड़ा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि इन फ्यूचर हम जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलवाना चाहेंगे मनोज सरपंच से, और आगे की जो डिटेल्स है वो भाई साहब से लेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो भाई साहब? सबसे पहले आप अपना एड्रेस बता दीजिए जी। हाँ जी, जिला रेवाड़ी। और मैं बताना चाहूँगा जो लाला रोड आई है, लगभग 3 किलोमीटर का फैसला अपना, ठीक है, 3 किलोमीटर जो कि भाई का गांव पड़ता जी, जो झज्जर से जो रेवाड़ी रोड है, बिल्कुल रेवाड़ी के टच में जो कि भाई साहब का गांव है। तो आज की वीडियो में जो हमारे से पशुधन दिखा रहे हैं सारा का सारा बिक्री के लिए है। सारा बिक्री के लिए। तो शुरुआत करते हैं जो पहले नंबर पे जो जोटी, इसकी डिटेल्स बता दीजिए, कौन से लैक्टेशन में है? दूसरे ब्याह की है, 6 दिन की ब्याई हुई है, 14 लीटर दूध आज मौके पे तैयार है, ठीक है। दूसरे ब्याह की जोटी, और हम बात करेंगे जी साइज भी काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है जी। लेंथ आपको शायद ही किसी किसी पशुधन में देखने को मिले। 6 दिन की ब्याई हुई है मौके पे, जो कि 13-14 लीटर दूध है, या फिर किलो में? किलो। 6 दिन की ब्याई हुई में जो कि मौके पे 13 से 14 किलो दूध जो कि कांटे के तोल का जो कि बता रहे हैं, और लीटर के ऊपर जो कि विश्वास नहीं रखते। जो भी दूध आज की वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा, कांटे के तोल का जो कि दूध बताया जाएगा, और हम बात करेंगे जो नीचे का जो इसकी अर्डर क्वालिटी। काफ़ी पशुपालक भाई ऐसी ऐसी जोटियों को जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन जोटियों में जो कि काउंटिंग करते हैं, लेकिन जैसे कि भाई साहब ने बता दिया कि ओरिजिनल दूसरे इलेक्ट्रिशियन की जोटी साइज नीचे का अर्डर का काफ़ी साफ़ सुथरा। और हम बात करेंगे जो नीचे से जो 4 अर्डर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो साथ में फीमेल काफ है? ना जी, मेल काफ। साथ में मेल काफ है, खोल के चला के दिखा दीजिए एक बार, खोल के भी आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, जो इसका साइज आपको पता लगेगा कि जोटी का जो साइज है वो कैसा है। बड़े साइज की जोटी जरूर कहना चाहूँगा, लेंथ आपको शायद ही कहीं देखने को मिले लेंथ। और हम बात करेंगे जी दूध और ब्यूटी आपको शायद ही किसी किसी पशुधन में देखने को मिले, काफ़ी अच्छी दूध लाइन की जोटी, बिल्कुल छोटा सींग है जी। और बात करें हम जो पिट पुट्ठा देख सकते हैं, बिल्कुल सिंगल हड्डी की जोटी है, ये देख सकते हैं, ले चलो थोड़ा लंबा, ये देख सकते हैं जो अर्डर क्वालिटी है। फिलहाल कवरेज 3:30 बजे के लमसम शाम के टाइम पर जो कि कवरेज हो रही है, लिया उलिया, और ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी। काफ़ी पशुपालक भाई ऐसी जोटियों को जो कि पसंद करते हैं, जो स्पेशली अपने घर पे एक पशुधन रखते हों, ऐसी जोटियों को काफ़ी ज़्यादा तलाशते हैं। और हरियाणा में से जो कि एक से एक पशुधन जो कि निकल के आ रहा है, काफ़ी अच्छी दूध लाइन की जो कि भैंसे हैं वो हरियाणा में मशहूर मानी जाती है, और एक रेवाड़ी ज़िला जिसमें एक से एक जो कि काफ़ी पशुपालक भाई जो कि इस ज़िले में सबसे ज़्यादा जो कि सेल परचेज का जो कि काम है भाई साहब करते हैं। तो आपके हिसाब से क्या कुछ दूध दे देगी जिस हिसाब से दूध पे? अच्छा, 18 किलो दूध काटेगा दूध 18 किलो दूध दे देगी। तो अभी इसके बात करेंगे, इसके रेट और बता दीजिए एक बार भाई। 1,75,000 रुपये। 1,75,000 रुपये, ठीक है, 1,75,000 रुपये कॉस्ट रखिए। 6 दिन की ब्याई हुई में मौके पे 13 से 14 किलो दूध काटे के तोल का मौके पे दूध तैयार। तो दूसरे नंबर पे जो है कौन से लैक्टेशन में है? तीसरे लैक्टेशन में ब्याई हुई आज खाली कर दी खीस से, ठीक है। तो शाम को पता लगेगा कितने दूध से उठी है भाई? दूध ने 15 किलो दे रखे भाई। अच्छा, तो अब की बार जो कि तीसरे लैक्टेशन में इसने काविंग की है, फेस पे आपको लेके जाना चाहिए, बिल्कुल छोटा सींग है, और नीचे से भी देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं नीचे की कैसी है, बहुत साफ सुथरी, सॉफ्ट चुवाई भाई, सॉफ्ट चुवाई। खोल के चला के दिखा दीजिए, ठीक है, ठीक है जी। बच्चा आप लोगों को एक बार दिखाना चाहिए, खीस से खाली किया गया है, और ये देख सकते हैं जो कहीं ना कहीं जो सूंड देख सकते हैं, जो हाल फिलहाल में दर्शाता है कि बच्चे ने कुछ ही दिनों में जो कि जन्म है लिया है। साइज की अगर हम बात करेंगे, जो गर्दन की जो लंबाई है काफ़ी ज़बरदस्त, जो कि अच्छी क्वालिटी का जो पशुधन है वो हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बिल्कुल बारीक चामी का,
और खीस से खाली होने के बाद जो पशुधन एक बार जड़ जाता है और वापसी जैसे जैसे दूध पे बन के आएगी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। लिया भाई साहब लियो मेल काफ है जी। रेट भाई 1,05,000 रुपये देने लेने हैं। ठीक है ठीक है जी, कुछ मान सम्मान भी रखेंगे 1,05,000 में से। और मैं बताना चाहूँगा आज ये मौसम ऐसा, इसमें कहीं ना कहीं जो पशुधन है, जो ताज़ा ब्याया हुआ पशुधन उसका जो कि रेट काफ़ी हैवी हो चुका, जो काफ़ी पशुपालक भाई है वो कहेंगे कि रेट ज़्यादा है, लेकिन आज अगर आप फील्ड में घूमोगे तभी आपको जो कि रेट का पता लगेगा कि क्या कुछ भैंसों का रेट है वो चला हुआ है। इधर भाई साहब जो तीसरे नंबर पर है, 20-25 दिन की ब्याई हुई है, 18-19 किलो दूध है, किलो 18-19 किलो दूध मौके पे तैयार बता रहे हैं। और 20-25 दिन की ब्याई हुई ठीक है, ये साथ में इधर ये फीमेल काफ देख सकते हैं, छटाऊ अभी लग रही है, ये देख सकते हैं जी छटाऊ जो कि अभी कर रही जैसे कि बता भी दिया है। और बात करेंगे जो साइज भी काफ़ी अच्छा पेट पुट्ठा देख सकते हैं, साइड से आपको एक बार जोटे को दिखाना चाहेंगे जो फेस वैल्यू है, कौन से लैक्टेशन में है, तीसरा भाई तीसरे लैक्टेशन में है। और ये देख सकते हैं जी अडर में जो नसें देख सकते हैं वे आप बखूबी जो कहीं ना कहीं एक साफ साफ दुधारू पशुधन को ही कहीं ना कहीं प्रमाणित करती है। अगाड़ी क्या कुछ निकाल रही है आज, 3 किलो भाई, 3 किलो की अगाड़ी है ठीक है भाई, एक प्राण और दिखाइए, 3 किलो की फुलाउट है खाली, वैसे कोई दिक्कत नहीं, अगला थन में नस की फुलाउट है एक, ये जरूर दिखाइए, ये नस की फुलाउट है, दूध बराबर आता था, वैसे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक नस की जो है बनावट है बिल्कुल खाली भाई, हो खाली बिल्कुल खाली है, बिल्कुल ठीक है खाली देख, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल खाली बता रहे हैं। बाकी आप ग्राउंड लेवल पे आके अपने हाथों से चुवाई करें और दो टाइम आके देखें तभी आप पशुधन को परचेज भी कर सकते हैं। साइज की अगर हम बात करेंगे साइज काफ़ी अच्छा है, खोल के चला के दिखा दीजिए, तीसरे लैक्टेशन की जोटी मौके पे जो कि 18-19 किलो दूध कट्टे के तोल का जो कि तैयार इसमें मौके पे बता रहे हैं। और साथ में काफ़ी अच्छी जो कि हेल्दी जो फीमेल काफ देखने को मिल रही है, 20-25 दिन की ब्याई हुई और तुरंत अभी जो कि जस्ट मेले पे भी लग रही है, जैसे आप देख भी पा रहे हैं जो मेला लगा हुआ है। और भी हम मान सकते हैं काफ़ी जब मेले से क्लियर होगी तो और भी काफ़ी अच्छे खासे दूध की उम्मीद कर सकते हैं। क्या कुछ दूध दे देगी आपके हिसाब से, 20-21 किलो दूध दे देगी ठीक है, 20-21 किलो दूध दे देगी। बाकी जो दूध के करैक्टर्स है वो इसमें हमें देखने को भी मिल रहे हैं, साइज देख सकते हैं, अडर में जो नशे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़बरदस्त जो अडर है वो हमें देखने को मिल रहा है जी। और किसी प्रकार का भी मॉडिफिकेशन नहीं पशुधन में, नहलाया भी नहीं हुआ है, और ये देख सकते हैं अडर में भी किसी प्रकार का अनबैलेंस नहीं, पेट पुट्ठा देख सकते हैं बारीक चामे की। खाने पीने में कैसी है, खाने ठीक है, सारी की सारी अच्छी है। तो आप इसके रेट और बता दीजिए, इसका 1,35,000 रुपये 1,35,000 रुपये में आप लोगों को मिल रही है जी 20-21 किलो दूध की जोटी, शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। और जायज भाव में लेके आए हैं, कहीं ना कहीं आपको जायज ही भाव में जो कि देना पसंद करेंगे। और सबसे अच्छी बात जो लग रही है मौके पे जो कि रेट है वो आपको साथ साथ में ही दिखा रहे हैं, और साथ में इसके नीचे काफ़ी सुपर क्वालिटी की फीमेल काफ है। इधर भाई साहब ये भाई भाई। दूसरे लैक्टेशन की है ठीक है, तो 1.5 महीने की ब्याई हुई है, 2 तारीख ने 2 मार्च में आगे हो गई, 2 मार्च को गैबिन हो चुकी है, बुल से या फिर किसी सीमन से कराया, बुल से कराया गया है ठीक है। तो अभी मौके पे दूध कितना है, 18 किलो दूध तैयार है मौके पे, और अगर गैबिन डटती तो सोने पे सुहागा जरूर मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, इतनी जल्द जो कि गैबिन भी हो चुकी है। और आपको एक बार क्वालिटी भी आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, जो भी आज की वीडियो में पशुधन दिखा रहे क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा और रेट वाइज भी हमें काफ़ी अच्छा ही देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं जी अडर में जो नसें हैं, जो मोटी मोटी जो मिल्क वेन आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त। अगाड़ी ये कितनी निकाल रही है भाई, 3 किलो अगाड़ी भाई, 3 किलो की अगाड़ी है ठीक है, दूसरे ब्याज की जोटी और 1.5 महीने की ब्याई हुई इस 2 तारीख को, जो 2 मार्च जो अभी जस्ट गई है, इसको जो कि इसको बुल से जो कि इसको गैबिन भी है वो कराया गया है। और जो पैरों के जो बीच का जो अडर होता है हम बार बार कहते हैं, कहीं ना कहीं ये जो भैंसी होती हैं दूध निकालने में काफ़ी सक्षम मानी जाती है। तो और भी आगे दूध पी जाएगी या फिर यहीं रुकेगी, 30 किलो दूध में आगे और पहले, अच्छा अभी हाँ कुछ रंजी कम अपने अच्छा लेके भी आए ठीक है। तो अब तक की मेरे हिसाब में जो पहले नंबर पे जोटी थी और ये जो तीसरे नंबर पे, ये दोनों की दोनों एक सेम हाइट की वैसे हैं, सेम हाइट की, एक बार खोल के चला के दिखा दीजिए इसको भी, टैल देख सकते हैं, टैल में कुछ ही बाल वाइट, बाकी जो टैल ब्लैक
काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, साथ में मेल काफ है, साथ में इधर ये जो फीमेल काफ देख सकते हैं। साइज की बात करेंगे, बिल्कुल पतला सींग छोटा, गर्दन की लंबाई देख सकते हैं, जो ऐसी जो गर्दन की जो भैंसें खासकर हमें जो कि रोहतक में देखने को मिलती है जी, ये देख सकते हैं। अडर पैरों के बीच का बिल्कुल खिसा हुआ अडर, जो टाइट अडर की जो झोटियाँ देख सकते हैं आप, दोनों के दोनों तरफ जो कि मिल्क वेन से काफ़ी भरी हुई और सिंगल हड्डी की जो झोटी हैं। साइज़ की अगर हम बात करेंगे, साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, ले चलो ये देख सकते हैं गर्दन की लंबाई। और खाने पीने में जैसे कि बता दिया कि सभी की सभी जो भैंसें काफ़ी अच्छी, आर्डर में जो नसें हैं काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी मोटी मोटी वेन्स हमें देखने को मिल रही। तो रेट क्या कुछ रखा है भाई? 1,40,000 रुपये साहिल भाई। 1,40,000 रुपये, ठीक है, 1,40,000 रुपये इसकी कॉस्ट भाई साहब ने रखी है और अच्छी क्वालिटी की है। तो इधर ये भी ये नहीं बेचनी है, ठीक है, नहीं बाकड़ी भी काफ़ी पशु पालक भाई डिमांड कर। अच्छा, और 11 तारीख 5 महीने का हो जाएगी, 11 तारीख को 5 महीने की चेक पास हो जाएगी, चेक पास कैबिन हो जाएगी। और जो ऑर्डर के जो गुलजटे देख सकते हैं, अभी भी 14 किलो दूध मौके पे तैयार बता रहे हैं। बच्चा है कुछ? बच्चा बोला भाई, कुछ भी नहीं है। और मेरे हिसाब से ये तो आपकी घर की है, घर की तीन व्यस्त भाई। हाँ ये देख सकते हैं जी घर की। और एक बात और बताना चाहूँगा, सेल परचेज का ही काम नहीं, काफ़ी बार जो कि HLDB में भाई साहब ने जो कि दूध भी रिकॉर्ड करवाया, काफ़ी अच्छी अच्छी भैंसों का HLDB में दूध रिकॉर्ड करवाया, काफ़ी जाना माना जो कि इस एरिया का जो व्यापारी, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही जो कि स्पीड में जो कि पशुधन को परचेज करके लेके आते हैं। और सबसे अच्छी बात हमें यही लगती है, कम मुनाफे के ऊपर जो कि काम करते हैं, अच्छा पशुधन हमें यहाँ पर ऑल टाइम बिक्री के लिए उपलब्ध मिला। और सोशल मीडिया पर ये भाई साहब की जो कि दूसरी वीडियो और आज की वीडियो में भी जो भी पशुधन जो दिखाया, वो कांटे के तोल का और रेट के साथ दिखाया गया है। और कुछ कहना चाहोगे आप? काफी पशुपालक भाई जो कि बाघड़ी भैंसों की भी डिमांड करते हैं, तो आप भाई देते हैं बाघड़ी भैंस? अच्छा, तू देना देना फिर बात। अच्छा, सीधी बात ये है, बाकी अपनी आप यहाँ पे वो आके पास कर सकता है अगर होती है तो सर। अच्छा, तो उसका रेट बताना चाहेंगे आप? 1,00,000 रुपये में, ठीक है, 5 महीने की चेक पास गैबिन और मौके पे 14 किलो दूध 1,00,000 रुपये में आपको मिल रही है। तो एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। 94,64। हाँ जी, 45,334। ठीक है जी, तो ये जो कि स्क्रीन पे भाई साहब का जो कि कॉन्टैक्ट नंबर है, उस स्क्रीन पे जो कि कॉन्टैक्ट नंबर है वो चल रहा है, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आशा करेंगे आज की जो हमारी कवरेज है यहाँ से आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी, और आप को जो कि पशुधन जो भी आज की वीडियो में दिखाया काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, क्वालिटी वाइज और रेट वाइज भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, ग्राउंड लेवल पे आप आके देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको पशुधन वीडियो से काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा, और किसी प्रकार से जो कि नहलाई भी नहीं है। और फिलहाल ये कवरेज जो कि अभी जस्ट जो कि 4 है वो बज चुके हैं, बिल्कुल क्लियर जो कि 4 बज चुके हैं। और कितने बजे चुवाई होती है अपनी? 5 बजे जो कि चुवाई करते हैं, अभी से 1 घंटा भी जो कि बचता है, किसी प्रकार का जो कि टाइम वगैरह नहीं लगा रखा, बाकी आप आके देख भी सकते हैं। और आशा करेंगे आज की जो हमारी ये कवरेज है यहाँ से आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो जी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी। फिर मिलेंगे किसी किसान के घर या फिर व्यापारी वर्ग के भाई के पास, तब तक सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।